हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉर्थ कॉर्नर से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एसिड इम्बेलेंस, एसिड बेस इम्बेलेंस के डिसऑर्डर है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्यों है? इसका कारण है इंक्रीज इन एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। हाइड्रोजन आयन क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, एल्यूलर हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयन बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है। अब इसके कॉजेज क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेज, कॉजेज में फर्स्ट कॉज है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कौन से एसिड बेस या एसिड बेस इम्बेलेंस के डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं? तो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि COPD है, अस्थमा है, इम्फाइसीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एटलेक्टेसिस है, ब्रोंकेटेक्सिस है, इन सब में हमें पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एम्बुलिज्म है, न्यूमोनिया है, इन सब में हमको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन हो गया। क्वेश्चन भी आते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमें कौन सा एसिडोसिस देखने को मिलता है? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत से एग्जामों में, बहुत से एम्स के क्वेश्चन में, पेपर में आ रखे हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है हमें, या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सीन इन विच डिजीज। तो इसमें बहुत सारी डिजीज दे रखी होगी, जिसमें से हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले डिजीज को सेलेक्ट करना है। फिर बात करते हैं हम दूसरे कॉज की, तो दूसरा कॉज है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है? ब्रेन में हमारे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर ट्यूमर होने की वजह से अगर रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर गया या उसको कुछ, मतलब ट्यूमर की वजह से उसमें कुछ उसके फंक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। फिर होते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट, जैसे कि हम पेशेंट में कोई सेडेटिव चला रहे हैं, या कोई पेशेंट सेडेटिव यूज ले रहा है, नार्कोटिक्स यूज ले रहा है, या एनेस्थीसिया, इन सब में हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, मुख्य तीन कारण हो गए हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को। फर्स्ट कारण हो गया हमारा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में COPD, अस्थमा, इम्फाइसीमा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एटलेक्टेसिस, ब्रोंकेटेक्सिस, ब्रोंकाइटिस, ये सारे। ब्रेन ट्यूमर हमने देख लिया, ब्रेन ट्यूमर भी एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कोज है, क्योंकि इसमें हमें ब्रेन ट्यूमर में एक ब्रेन में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, और रेस्पिरेटरी सेंटर अगर ट्यूमर डिप्रेसेट या सप्रेस करेगी तो
रेस्पिरेशन में हाइपोवेंटिलेशन होगा, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। फिर होता है सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट भी रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है। सीएनएस डिप्रेसेंट जैसे कि सेडेटिव है कोई भी या नार्कोटिक्स है, एनेस्थेटिक ड्रग है, वो सारे सीएनएस रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए कभी क्वेश्चन आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक पेशेंट आया आपके पास, वो सेलो हाइपोवेंटिलेट हो रहा है, तो उसमें कौन सा एसिड डिसऑर्डर देखने, एसिड बेस डिसऑर्डर इम्बेलेंस या डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, जैसे कि उसमें हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हाइपोवेंटिलेशन हाइपरकैलेमिया हाइपोवेंटिलेशन की वजह से इसको ड्राउजीनेस होगा, उसको डिजीनेस चक्कर जैसे आने लग जाएंगे उसको, इसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन की वजह से बॉडी से ओरिएंटेड हो जाएगा, डिसओरिएंटेशन, उसको सीजर भी आ सकते हैं क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से उसको सीजर आ सकते हैं, हाइपोक्सिया की वजह से उसको डिसरिथमिया हो सकता है, और वेंट्रिकुलर समटाइम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VF भी देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VF, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। फिर इसका मैनेजमेंट कि एज ए नर्स आप क्या मैनेज करोगे अगर आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का पेशेंट आ गया। मैनेजमेंट में हम उसको जो भी अंडरलाइन कॉज है वो ट्रीट करेंगे, जैसे कि अगर उसने सेडेटिव ले रखी है तो उसको एंटीडोट देंगे सेडेटिव का, नार्कोटिक्स ले रखी है नार्कोटिक्स के एंटीडोट देंगे, ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर के रिगार्डिंग कुछ मैनेजमेंट अगर हो सकता है तो उसका मैनेजमेंट करेंगे, या एक बार तो पेलिएटिव केयर देंगे उसको, COPD अस्थमा उसको एक बार एक्यूट एक्सर्बेशन हो रहा है, जैसे एक्यूट एक्सर्बेशन मीन्स उसको मतलब एपिसोड आ रहे हैं बहुत ही, एक्सर्बेशन मतलब उस डिजीज पीक पे उसकी, उसको एक्सर्बेशन बोलते हैं उसको, है तो उसको ट्रीट करेंगे COPD को अस्थमा को एक बार। फिर हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मतलब उसको अगर हाइपोवेंटिलेशन है तो उसको एक बार ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑटोथेरेपी देंगे, सेमी फोलस पोजिशन में लेंगे उसको, अगर सक्शन की अगर उसमें कुछ कफ ऑफ है सिक्रेशन वगैरह है तो उसको सक्शन करेंगे, हाइड्रेशन बढ़ाएंगे पेशेंट का, उसको डीप ब्रीथ के लिए इनकोरेज करेंगे, उसको बोलेंगे लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लो, अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ा तो लास्ट में उसको इंट्यूबेट कर देंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, और फिर बाद में उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू वेंटिलेट करेंगे। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। तो बस के रिगार्डिंग एम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, PGI चंडीगढ़ में सारे जो भी मतलब जितने भी एम्स है प्रोड्यूस कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। एक तो क्वेश्चन आता है हाइपरकैलेमिया से, कोई भी एसिडोसिस है तो इसमें हमें फिक्स है कि हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है तो पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर होगा, तो उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे उसमें सीएनएस डिप्रेसेंट से एक पेशेंट है वो सीएनएस डिप्रेसेंट
सेडेटिव ले रखी है, बहुत सारी सेडेटिव की ओवरडोज लेके आ गया यार, उसने ले लिए बहुत सारी सेडेटिव ले ली, तो हमें कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलेगा? तो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो उसको कौन सा रेस्पिरेटरी डिप्रेशेंट मिलेगी, हमें रेस्पिरेशन है उसकी, हाइपोवेंटिलेट करेगा वो, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनर अपनी लैंग्वेज बना बना के अलग से क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अगली क्लास में हम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस पढ़ेंगे, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।